नाम का ठीक है रफीक सर और रहीम साहब जी क्या हुआ है पूरा मामला? भैया मैं भैंसी वाले पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने चला जाऊं, अक्सर वो तेल सही दे, साफ सुथरा तेल है पूरा दे, तो मैं हमारी आदत यही है कि फेरी करने से पहले हम वहीं से ले आ गए, हमें सुबह को फेरी करें। अब उधर से मैं आ रहा था कि जहां वो स्कूल है चीतल ग्रांड से पहले, वो वहां से आए दो लड़के रहा के मेरे एकदम मोटरसाइकिल आगे खड़ी करके रोक, मोटरसाइकिल मैंने रोक ली कि लजक क्या है तेरे पास। बोल मैंने कहा भैया इसे कट्टे को तो हटाओ, कट्टा लगा दिया सिर पर। मैंने कहा भाई इसे तो हटाओ बेटे, जो तुम्हें लेना वो ले लो, मैं क्या मना कर रहा हूँ। बस मेरे 4300 रुपया मोबाइल ले लिया। उसके बाद आपने क्या किया? बस फिर उसके बाद वो कहने लगे खड़ा यहीं खड़ा रहिए, आगे न मत बढ़िए, अन्य गोली मार देंगे। मैंने कहा ठीक है, वो खतौली की तरफ कोई भगे, अब वो चाहे नहर पर घूम रहे हों चाहे शहर में घूम रहे हों ये मैंने देखा नहीं। बस फिर मैं सीधा थाने गया, के पी सिंह जी वहाँ बैठे थे ऊपर, मैंने उन्हें बताई ये घटना, तो उन्होंने एक तहरीर लिख दो। बस मैंने उन्हें कागज़ दिया, तहरीर लिख के दे के चला आया। बस वो मेरे सामने राजकुमार वो थे दीवान जी, वो कहने लगे अबरार भाई घबराओ मत, बिल्कुल पानी लाया बेचारे, पानी वानी पिलाया। अभी पुलिस मुठभेड़ हुई है, जो बदमाश घायल हो गया ये वही बदमाश था? पता नहीं, मैं तो देख के बता सकूँ।